बैक माय यूट्यूब चैनल डेली नेचुरल टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनु और आप हैं डेली नेचुरल टिप्स के चैनल पर। और आज मैं बात करने वाली हूं कि कॉफ़ी से हम अपना घर पे ही फेशियल किस तरीके से कर सकते हैं, और हमें फेशियल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे हमारी स्किन वाइटनिंग, ग्लोइंग, टैनिंग फ्री होती है। तो चलो फिर कॉफ़ी से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फेशियल बताती हूं कि किस तरीके से आप भी घर पे कर सकते हैं अपने किचन के सारे सामान से। ओके, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट क्लींजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कॉफ़ी पाउडर लेना है। इसे आप मिक्स करेंगे। क्लच लगा लेते हैं। क्लींजिंग करने के लिए तैयार है। अब इसको आप अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। अच्छे से वॉश कर लेना, ठीक है? अप्लाई कैसे करना है आपको? आगे से पीछे की ओर जाना है। अब दोनों हाथों से आप इसको थोड़ा सा क्लींज करेंगे अपने फेस को, नोज के पास। को 2 से 5 मिनट आपको अपने फेस पे ऐसे सर्कुलेशन मसाज करनी है ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए चलना। तो मैंने वॉश कर लिया है, ठीक है? इसके लिए आप हमेशा ऐसा एक छोटा सा जो है टॉवल हमेशा आप अपने पास अलग से रखिए। स्क्रबिंग के लिए आपको सबसे पहले कॉफ़ी पाउडर लेना है, के बाद इसके अंदर शुगर डालना है, ठीक है? शुगर और कॉफ़ी पाउडर। फेस पर वीक में 1 से 2 बार आप हमेशा करना, जिससे कि आपका जो फेस एक्सफोलिएट हो और आपकी स्किन में स्किन वाइटनिंग हो, ठीक है? तो आपको ऐसे सर्कुलेशन मोशन में आपको मसाज करनी है अपने आईज के पास, नोज के पास, लिप्स पे करेंगे आप। यहां पर लिप्स के, यहां पर भी बहुत ज्यादा डार्कनेस हो जाती है कई बार, ठीक है? तो यहां पे आप करेंगे लिप्स के ऊपर करेंगे ताकि जो ब्लैक ब्लैक लिप्स होती है जिसकी, वो भी थोड़ी सी पिंक पिंक फॉर्म में आ जाए। स्क्रबिंग आपको ज़्यादा नहीं करनी है, सिर्फ 1 से 2 मिनट करनी है, ठीक है? ज़्यादा अगर आप स्क्रब भी कर देते हो तो वो हमारे फेस के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो स्क्रबिंग आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट ही करनी है। आ गई हूँ 1 से 2 मिनट में। आप स्क्रब से ही देख सकते हो मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। ये देखिए फेस पैक। कॉफ़ी से फेस पैक आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप कॉफ़ी लेंगे, दूसरा है आपका बेसन डालना है इसके अंदर। तो कस्तूरी हल्दी के लिए मैं ये वाइल्ड टर्मरिक का यूज़ करती हूँ, अगर आपको दिख रहा हो। ये देखिए, पहला हमने कॉफ़ी डाला, दूसरा बेसन, तीसरी हल्दी और चौथा लेमन जूस। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स इसको ना ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा मोटा करना है, इसको मीडियम रखना है ताकि आप अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर सके। तो ये ठीक है, इतना रखना है आपको, थिकनेस इसकी रखनी है। कॉफ़ी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपके फेस को ब्राइट करता है, वाइट करता है, ठीक है? बेसन के अंदर, बेसन में भी ऐसे एंटी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपके फेस को ब्राइट करते हैं और जो आपका कलर है वो थोड़ा सा फेयर करते हैं। हल्दी तो आपको पता ही है, हल्दी तो हर चीज़ में यूज़ होती है, बल्कि शादी वादी में भी हल्दी की रस्म होती है, तो इसलिए यूज़ होती है ताकि दुल्हन वगैरह जो है वो काफ़ी ब्राइट लगे अपने शादी वाले दिन। और नींबू के अंदर, नींबू एक तरीके से हमारा ब्लीच का काम करता है, तो अगर आप ब्लीच वगैरह जिसको सूट नहीं करता बाहर का, तो वो ठीक है लेमन जूस वगैरह जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी एक फेयरनेस है, हमारे फेस को ब्राइट करती है, ग्लोइंग बनाती है, टैनिंग हटाती है। इसको आप नेक में भी अप्लाई करना, वरना दोनों का कलर अलग ही लगेगा, ठीक है? वैसे मैं छोड़ देती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि मेरे नेक में और मेरे फेस में कितना डिफरेंट है।
इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद में 15 मिनट हो चुके हैं, मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए लाइव, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, चलिए फिर ये हो चुका है। अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। तो मैं वॉश करके आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना अच्छा, ग्लोइंग फेस है। ये देखिए, आप कॉफी पाउडर से फेशियल करते हैं घर में तो आपको एक ही बार में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है गाइस। फेशियल आपको वीक में 2 से 3 बार करना है, तभी आपको रिजल्ट और ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।